सो so, अगर आप अपने बालों को बनाना चाहते हो सिल्की स्मूथ शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग तो आपको अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आप कोई भी एक हेयर मास्क अप्लाई करें और उसके रेगुलर यूजेस से आप ये सारे हेयर केयर गोल्स अचीव कर सकते हो सो हे दिस इज़ मेघा एंड यू वॉचिंग मेघास ब्यूटी लैंड तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक एग मास्क ये मास्क टू इन वन मास्क होने वाला है क्योंकि आप इस मास्क को अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो एज़ वेल एज़ अपने हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि वो एग यूज़ नहीं करते हैं तो उनके लिए बेस्ट सप्टीट्यूट है एलोवेरा आप एलोवेरा हेयर मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक एलोवेरा हेयर मास्क अपलोड कर रखा है आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो वाई एग मास्क जैसा कि हम सभी को पता है कि एग हमारी बॉडी हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है चाहे हम उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें या फिर अपने हेयर्स पे अप्लाई करें क्योंकि एग में होता है विटामिन ए विटामिन ई e एंड बायोटिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर sure आप उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें सो so दैट आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इन द वीडियो तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एग एग की क्वांटिटी हम अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे मेरे बालों की लेंथ अप टू वेस्ट है और मुझे दो एग की ही ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप एक ही एग यूज़ करें वो आपके बालों के लिए सफिशेंट होगा तो सबसे पहले हम दो एग ले लेंगे एक बोल में अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून ऑफ आमला पाउडर मैं यहाँ पर बायो ऑर्गेनिक का आंवला पाउडर यूज़ कर रही हूँ अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो इसको हम इसमें आंवला ऐड कर रहे हैं ताकि हमें इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद अपने हेयर को वॉश ना करना पड़े आंवला हमारे बालों के लिए एज अ क्लेंज़र वर्क करेगा अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वन टेबल स्पून ऑफ शहद आपके पास में जो भी शहद हो वो आप ऐड कर सकते हैं अब हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्ब ना रहें अगर इसमें कोई भी लम्ब रह जाते हैं तो वो हमारे बालों में फंस जाएंगे इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्बस ना बचें अगर इसमें कोई लम्स बच जाएंगे तो वो हमारे बालों में फंस जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन इस लेमन को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब ये हेयर मास्क हमारा बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए तो चलिए हम इसे हेयर मास्क को अपने बालों में अप्लाई करते हैं आप किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करने से पहले अपने बालों को एक दिन पहले वॉश कर लें तो मैंने अपने बालों को कल वॉश कर लिया था और आज मैं ये हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ तो सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे ताकि ये हेयर मास्क हमारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके आप कभी भी अपने बालों में शैम्पू या फिर कुछ और अप्लाई करने से पहले अपने बालों को बहुत अच्छे से डिटेंगल करें इससे आपके बाल वॉश करने के टाइम पे ज़्यादा उलझेंगे नहीं और आपके बाल ड्राई होने के बाद में भी अलग अलग ही रहेंगे सो अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इस हेयर मास्क को अपने पूरे बालों पे अप्लाई कर लूँगी आप चाहें तो अपने फिंगर टिप से भी इस हेयर मास्क को अप्लाई कर सकते हैं आप जैसे भी इस हेयर मास्क को अपने बालों में अप्लाई करें बट मेक श्योर ये हेयर मास्क आपके हेयर रूट्स एंड आपके बालों में अच्छे से लग जाए आप इस हेयर मास्क को अपने स्केल पर भी लगा सकते हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये इजली हेयर वॉश करने के बाद में निकल जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है आपको इस हेयर मास्क को अपने बालों के टिप्स पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई करना है हमारे बालों के जो हेयर टिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इससे उनमें स्प्लीटेंट्स हो जाते हैं इसलिए आप जब भी अपने बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो अपने हेयर टिप्स पर स्पेशल फोकस करें इससे आपके बालों के एंड को भी न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बालों में कभी भी स्प्लेटेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी अब ये हेयर मास्क मेरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो गया है अब मैं एक बन बना के अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी चाहे तो कोई भी शावर कैप पहन सकते हैं इससे हमारे बालों को गर्मी मिलेगी और जो भी हमने पैक अप्लाई किया है उसका बेनिफिट हमारे बालों को अच्छे से मिल पाएगा अब इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों में एक से दो घंटे तक अप्लाई करके रखना है एक से दो घंटे के बाद में आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं और अगर आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना चाहते हैं तो कोई भी माइल्ड शैम्पू का ही यूज़ करें सो so, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये मास्क टू इन वन मास्क है इसको हम एज अ फ़ेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं तो अब इस मास्क को मैं अपने फ़ेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ सो so, आप कोई भी ब्रश लेकर इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई कर लें ये मास्क काफ़ी रनी सा लग रहा था फेस पे अप्लाई करते वक्त बट ये मास्क ड्राई होने के बाद में आपकी स्किन को टाइट कर देगा सो अगर आप इस एग मास्क को रेगुलर बेसिस पे अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो ये आपकी स्किन को टाइटन कर देगा और जो भी आपकी स्किन में सेगिंग हो गई है उसको भी ये टाइटन करेगा सो इस फेस मास्क को हमें अपने फेस पे 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करके रखना है 10 से 15 मिनट के बाद में ये फेस मास्क अच्छे से ड्राई हो जाएगा और तब हम इस फेस मास्क को वॉश कर सकते हैं और वॉश करने के बाद में आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें और आप नोटिस करेंगे कि ये फेस मास्क आपके जो भी फाइन लाइन्स हैं उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आई होप ये टू इन वन एग मास्क आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस एग मास्क को ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें सो so, अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग नहीं यूज़ करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप भले ही एग को ना खाते हो, बट एक बार उसको अपनी स्किन पे अप्लाई ज़रूर करें सो so, ये था आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इफ़ सो प्लीज़ इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो सो so, मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो में टल देन बाय